से सवाल करें। I'm Abhishek Garodia and I'm an engineer. See, my question is with regard to the Hudud laws. Can I ask more than one question? One question, then wait, inshallah, come back to you and then second question. One question at a time. You can go back. Yes, brother. Please clarify what Hudud laws mean, basically with respect to the sexual exploitation of women. Sexual exploitation of women. It's a very pertinent topic right now, and it's been pertinent all through our lifetime. My point is, let's take the example of Pakistan. After the Zia-ul-Haq regime, the Hudud laws were imposed. I would like to know what the Hudud laws say about the sexual exploitation of women. I mean, what kind of penalties and things like that are according to the women? Because let's say, take the example of Pakistan, as I said. After Zia-ul-Haq came to power and Islamization of the entire country took place to an even greater extent, the incidents of rape have soared. And the point that they make is that 4 male witnesses are required to quantify what a woman has to say about her status as far as the rape is concerned. So please, could you explain this? Bhai sahab ne sawal pucha hai, main Urdu mein jawab dunga kyunki takreer Urdu mein thi. Bhai sahab ne sawal pucha hai ki Islam mein khawatin ke saath sexual exploitation, uski izzat pe hamla hota hai, to kya saza hoti hai? Aur misal di unne ki Pakistan ke andar rape ke liye, बलात्कार के लिए, जिना बिल जबर के लिए क्या सजा है, और ज़िया-उल-हक का उसने एग्जाम्पल दिया कि 4 सबूत की जरूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि रेप के लिए, जिना बिल जबर के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की जरूरत है। कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है के बलात्कार या जिना बिल जब के लिए 4 सबूत की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्जाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई जिना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की जरूरत है, या बच्चा लने बराबर ने। जिना के लिए अगर कोई इल्जाम लगाता है कि ये औरत ने जिना किया या वो मर्द ने जिना किया, तो वो आदमी जो इल्जाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फर्ज है। अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्जाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की जरूरत नहीं। हाई तो अच्छी बात है। और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सही आदमी को जिसने बलात्कार किया उसको सजाए मौत देते हैं। सही हदीस है। उस टाइम 4 सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन सबूत की जरूरत है। इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमेन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्जाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सजाए मौत है इस्लाम में। इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज समथिंग लाइक मॉडेस्टी। हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो। आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि ईस्टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाइएस्ट इज रेप। वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईस्टीजिंग, सारे मजहब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो। हिंदुइज्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहां कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे। इस्लाम के अंदर हिजाब है, हिजाब। लोग हमेशा बात करते औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते हैं, फौरन नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अभी तक आधी नजर पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झपकाए,
without blinking or kaho ke main mein nazar puri nahi kiya. Allah ke rasul ka kehna ye tha, agar unintentionally anjane mein aap koi aurat ko dekhte hai, ladki ko dekhte, fir se uske beauty pe feast karne ke liye mat dekho. Uske baad aata hai hijab aurat ke liye. Sunne Noor Surah number 24 ayat number 31. Say to the believing woman, kaho momina se ke wo apni nazar niche kare, apna sir dhake aur apni zinat na dikhaye, except what necessary. Jitni zarurat hai utna. Sirf apne walda, apne shohar, apne bete, jo mehram hai unke samne wo itne hijab strictly karna zaruri nahi. Hijab ke 6 nukte hai Islam mein. Sabse pehle nukta hai satar. Mard ke liye naaf se leke ghutne tak extent. Khawateen ke liye sara jism, sirf chehra aur haath till the wrist, kalai tak ke khule reh sakte. Baki pura jism dhaka hona chahiye. Baki 5 nukte mard aur aurat ke liye yaksa hai. Dusra nukta, kapde itne patle nahi hona chahiye taaki aap uske through dekh sake. It should not be transparent or translucent. Number 3, itne chust nahi hona chahiye taaki mard ya aurat ka dhancha dikhe. Chautha nukta, itne bhadkile nahi hona chahiye taaki opposite jins, dusra jins mutasir ho sake. Panchwa nukta, dusre jins ke kapde mat pehno. Chhatta nukta, wo kapde mat pehno jo dusre mazhab ki nishani hai. Ye rukte hai. Aur Allah ke rasool farmate hai surah azab mein surah number 33 ayat number 59 mein, 59 mein Allah farmate hai, ae nabi keh do apne biwiyon se, apne betiyon se, momin auraton se ki jab bhi wo bahar jaye to ek cloak ode, jilbab ode, taaki log unhe pehchan sake. No one should molest them. कोई उनसे छेड़खानी ना करे. मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कलकत्ता में दो जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं, दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर, और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए. मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन से लड़की को छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई कि वो लड़की जो मगरबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई, किसको छेड़ेगा? ऑब्वियसली द वन वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ, द मिनी स्कर्ट एंड शॉर्ट्स. तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके. और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहां सबसे ज्यादा रेप होते, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में एफबीआई की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस. हर रोज इतने बलात्कार हुए. 1996 की स्टैटिस्टिक से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हर रोज तकरीबन 2713 रेप हुए. 1990 में 1756, 1996 में 2713. मे बी अमेरिकन को और मर्दानगी आई, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया. मैं पूछना चाहता हूं अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्याल आते हैं, नजर नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है, उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजा है मौत. मैं पूछना चाहता हूं बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वही के वही रहेंगी या घटेंगी? सी द पॉइंट अबाउट अमेरिका, बढ़ेंगी वही के वही रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे. आई कैन नॉट आंसर दिस. बढ़ेंगी वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूं मैं कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सजा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सजाए मौत दूंगा. तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है आपको सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सजाए मौत इज अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है. कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा. सबसे लीस्ट
बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया, क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है, नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो सम दे डोंट, कुछ चीज फॉलो करते कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए, पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो इस्लाम को जांचना है, तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरत हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी वही के वही रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. A hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Shariat. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Shariat can be imposed in America also. But we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question. You can pose 10 questions, I'll reply. But you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm... So I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that is the reason L.K. Advani, the previous Home Minister, ex-Home Minister a few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next Home Minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which part? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. Aap Musalman aur Muslim maashre ko mat dekho Islam ko janne ke liye. Islam ko janne ke liye Quran aur Hadith dekho. Main Quran ka itna hawala diya, Hadith ka hawala diya. Aap bolta most. What most? Yeah, your answers are absolutely fine as far as the